पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है ये जज्बे से जज्बे से जज्बे से जज्बे से चलते हैं। कश्मीर को इमरान खान ने पहले बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। वो किसे बेचा? अमेरिका को। आज के बाद से कंट्रोल में पिया करेंगे। हमारी फौजे पाकिस्तान जब चाहेगी और जिस वक्त चाहेगी हम कश्मीर उनसे इंशाल्लाह ले लेंगे। अच्छा, टैंक चलने के काबिल नहीं है तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है? बेशक, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए यूएसए में, यूएसए के अंदर क्वाड की मीटिंग होनी थी, क्वाड की मीटिंग को अटेंड करने गए। वहां जाकर मोदी जी क्या क्या करेंगे उसके लिए एक वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों की फरमाइश के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भाई लोग मुझे बार बार ये कमेंट करके ये पूछ रहे थे, भाई आजकल पहले जज्बे वाले जाहिलों पे आप प्रोग्राम बनाते थे, वो प्रोग्राम नहीं बनाते हो, क्या वजह? हमारे पास था जज्बा ईमानी। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, बहुत जमाने गुजर गए, मैंने जज्बे वाले जाहिलों पे कोई प्रोग्राम ही नहीं किया। तो ऐसा ही आज आपके लिए जज्बे वाला जाहिल, हाँ हाँ, जिसको सुनने के बाद में अगर आपके पेट की आतड़िया हिल ना जाए ना, सारे पैसे वापस। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। जबरदस्त काम, कैसा चल रहा है ये काम? आजकल थोड़े नॉर्मल ही नॉर्मल है, बेहतर नहीं उस तरीके से चल रहा। कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खबरों में है कश्मीर का टॉपिक, कश्मीर बहुत खबरों में है, पाकिस्तान मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया हो। कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, कश्मीरी पब्लिक ने 59% पब्लिक की बात कर रहा हूँ जिसने वोट दिया है, इसका मतलब है कि उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है। दिन बदले, कैलेंडर बदले, मौसम बदले ना बदले, तो इस मकबूजा जन्नत के दिन ना बदले। इंडिया के पॉलिटिशियंस, उनके जो उनसे लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान साइड कश्मीर आप जल्द लेंगे और नहीं तो क्या, लेकिन हमें जंग की जरूरत नहीं है। जो हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, जल्द ये खुद पाकिस्तानी कश्मीरी कहेंगे, पाकिस्तान साइड के लोग कश्मीरी कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ मिलना है, जबकि इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज साथ साथ चल रही है। और वो ये कहते हैं, इंडिया की आर्मी ये कहती है, एक दफा हमारे पॉलिटिशियन एक दफा इशारा करते हैं, हम कुछ ही दिनों में या कुछ ही टाइम में कश्मीर को अपना साथ मिला लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। ये कभी भी अपना अपने साथ नहीं मिला सकते। क्यों? हम अपने पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ताला 1965 में भी इन्होंने देखा था। 1971 की बात करें, कितने पाकिस्तानी फौजी गए, वो कहते हैं हमने पैंटे उतरा दी, हमने ये कर दिया, उसका क्या जवाब है? ये बस बातें कर सकते हैं। अच्छा। हमारी जो ISI है जी जी, वो पूरी दुनिया में बैठी हुई है। अच्छा। उनके लोग हर जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये एक दिन कश्मीर जरूर पाकिस्तान लेगा उनसे। कैसे लेगा, मतलब क्या वो कहते हैं हम पाकिस्तान साइड कश्मीर में आने का, मतलब उसे अपना हिस्सा बनाने का सोच रहे हैं, आप कहते हैं इंडियन साइड कश्मीर, जो कि उधर प्रॉपर इलेक्शन हो रहे हैं, वो अपने लीडर्स को वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने पहले भी कहा था हम लाहौर में आकर चाय पियेंगे, वो आए इंशाल्लाह हम उन्हें चाय पिलाएंगे जैसे 1965 में पिलाई थी। चाचा देखो, जज्बे वाले जाहिलों की बातें सुनने में मुझे बड़ा आनंद आता, सीरियसली बोलूं तो मुझे सीरियस टॉक से ज्यादा जज्बे वाले जाहिलों में आनंद आता, लेकिन तुम जज्बे वाले जाहिल जब जाहिल बने की हद पार कर देते हो ना, तब मुझे बीच में आना ही पड़ता है। तो चाचा तुम जिस चाय की बात कर रहे थे ना, वो चाय किसने किसको पिलाई थी, मेरी बात का यकीन मत करो, पाकिस्तान की किताबों का यकीन मत करो, लेकिन दुनिया ने तो वो जंग देखी थी। BBC जो तुम्हारा फेवरेट चैनल है, उसने क्या रिपोर्टिंग की थी वो भी तो देख लो। लॉसेस की बात करें तो BBC की रिपोर्ट ये कहती है कि बेशक पाकिस्तान ने बड़े हैवी लॉसेस क्लेम किए भारत की साइड पे और भारत ने पाकिस्तान की साइड पे, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग ये कहती है कि हिंदुस्तान 1900 स्क्वायर माइल टेरिटरी कैप्चर करने में कामयाब हुआ, पाकिस्तान 540 स्क्वायर माइल कैप्चर करने में कामयाब हुआ टूवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर। 2800 फौजी हिंदुस्तान के मरे, 5800 जानें पाकिस्तान के फौजियों की गईं, 97 टैंक्स हिंदुस्तान के डिस्ट्रॉय हुए, 450 टैंक पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय हुए। 17 दिन की ये जंग स्टेलमेट में रिजल्ट होके ख़त्म हो गई, लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जंग लगाने वाला पाकिस्तान था और बदले में पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, तो इसको हार तसव्वुर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स है, आर्टिकल है, पढ़ लेना, इंटरनेशनल पढ़ लेना कि कौन जीता था, कौन हारा था, किसने किसको चाय पिलाई थी। ठीक हो गया। अच्छा भाईजान, नफरतें हम खत्म क्यों नहीं कर देते, मोहब्बत की बात क्यों नहीं करते, टेबल पे बैठ के बात क्यों नहीं करते? आप सच बताइएगा, आज जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, जो इंडिया की इकॉनमी है, अगर कोई जंग या कोई इस तरह के मामला होते हैं, हालात कशीदा आते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान जरा उस तरीके से, क्योंकि पैसों से हर चीज चलती है ना, तो सर वो जरा कर पाएगा?
पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है ये जज्बे से चलते हैं। अच्छा। हमारे अंदर जज्बा है। अच्छा। 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? हाथों से? हाथों से। तो सबने, मैंने भी सुना है कि हाथों से बम पकड़ के, लेकिन थोड़ा सा अगर टेक्निकल सोचें कि हाथों से बम कैसे पकड़े जा सकते हैं, आप तो सर मुलाजम हैं, तो आप मुझे बताएं हाथों से बम पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता। अच्छा, तो फिर ये जो कहानी बनी है इसका मतलब है खुद ही बने हैं ना? वैसे बने, हाथों से बम तो नहीं पकड़े जाते। ठीक है, क्योंकि इनकी तो ट्रेनिंग हुई है जो कंधे पे लगाते हैं वैसे हाथों की। हाँ, ये कोई ऐसे कोई सेब तो नहीं था कि ऐसे सेब पकड़ा फेंक दिया? वो अल्लाह के वली थे। अच्छा, वो अल्लाह के वली थे, वो आम इंसान नहीं थे। ताकत रखते थे इस चीज की, क्या हाथ से बम पकड़ने की? तो आज के दौर में कोई ऐसा क्यों नहीं मौजूद है जो हाथ से? मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। जब ये ऐसी कुछ कोशिश करेंगे इनको पता चल जाएगा, ये इसलिए कोई भी हरकत कर नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। नहीं, आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया, उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन करवा रहे हैं, इंडिया प्रॉपर उधर डेमोक्रेसी चल पड़ी, आप कह रहे हैं हरकत नहीं कर सकते? वो अपने फौजी मरवा कर कहते हैं ये पाकिस्तान ने किया, ये पाकिस्तान ने किया, ये रोना धोना वो करते ही रहते हैं। अच्छा। हाय हाय जज्बे वाले जाहिल, मैं तुम्हारी बातों को इतना एंजॉय कर रहा था, लेकिन तुम मैंने बीच बीच के अंदर ऐसी बकवास कर देते हो ना कि मेरे को ना बहुत बुरा लगता है कि तुम जहालत दिखाओ उसमें हम एंजॉय करते हैं, लेकिन तुम ऐसी बात कर देते हो, करते करते फिर बस छह लगने लगते हो। क्योंकि तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान इसी तरीके से चलता है, तुम्हारी आर्मी तुम्हारे जवानों को मरवा देती है और फिर उसके बदले लेती है सिंपथी। ये हमारे देश में नहीं होता है, ना कभी हुआ था ना कभी होगा, क्योंकि हमारे देश की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। और पुलवामा हमला जिन लोगों ने करवाया था वो तुम्हारी पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कबूल किया था, याद नहीं है? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। हाँ तो चाचा, वो जो हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए थे ना, वो तुम्हारी कायराना हरकत थी, क्योंकि तुम पीठ में वार कर सकते हो, सामने से लड़ने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, तुम्हारी आर्मी तो प्लॉट बेचने में लगी हुई है, लड़ेगी कहाँ से? तो इंशाल्लाह ताला उन्हें ईद का जवाब जो पत्थर से हम देंगे वो आए, उन्हें पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं ये मामला कभी बेहतर हो सकते हैं या ऐसी बयानबाजी और ये चलता रहेगा? नहीं, ये कभी नहीं बेहतर हो सकता। आप करना, हम करना नहीं चाहते? हम नहीं करना चाहते, हम करेंगे, लेकिन कश्मीर लेके, कश्मीर लेके करेंगे। कश्मीर ना मिला तो हालात कभी नहीं बेहतर होंगे? जब कश्मीर पे बात होगी फिर करेंगे। ठीक है। अगर कश्मीर पे बात नहीं होगी फिर हम कोई नहीं करेंगे इनसे। इंडिया सर इनसे खराब है, लेकिन पाकिस्तान उसके लिए कुछ भी नहीं करता। अच्छा, ठीक है। क्या क्या करना चाहिए हमें? हमला करते हैं? क्या करते हैं? नहीं नहीं, हमला नहीं करना। अच्छा। हमला किस लिए करना है? अच्छा, वो जो हरकत करेंगे उनका जवाब हम देंगे। ठीक, पहले भी दिया था और उन्हें भूलना नहीं चाहिए क्या? जो हम जवाब देते हैं उनको। ठीक हो गया, चले जी। खैर, हारे की अपनी अपनी ओपिनियन है, मैं ये समझता हूँ कुछ कंसेप्ट है जो हमें क्लियर करने की जरूरत है। एक तो ये कि हाथों से जो पकड़ के बम फेंकने वाली कहानी है, इसका कोई ना कोई या तो प्रूफ हो तो फिर हम कहें कि हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एक बारूद को हाथ में कैसे पकड़ सकते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही। और क्या बम इतने छोटे छोटे होते हैं? आप हजरत मियां शेर मोहम्मद साहब जो सरकपुर शरीफ वाले हैं, जी जी, उनकी ड्यूटी थी सियालकोट में। ठीक है, तो उन्होंने उस वक्त। अच्छा। और दाता हजूर की तो लाहौर में थी। ठीक है, दाता हजूर ने मोर्चा संभाला हुआ था। ठीक है, ठीक है, हाथों से टैंक उल्टा दिए। हेलो दोस्तों, जनाब ऐसे हाथों से ही करते हैं। ठीक है, अल्लाह के वली में जो ताकत होती है वो हाथों की जरूरत ही नहीं पड़ती, इशारे से कर देते हैं। हाथ तो बहुत दूर की बात है। इंडिया की उन्होंने, उनके बात चली थी, उन्होंने कहा जी ये इनके अपने हुक्मरान जो है आपस में झगड़ रहे हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसे नहीं है। पाकिस्तान 1947 से हुक्मरान पाकिस्तान को खा रहे हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान का बाल भी नहीं खराब हुआ, पाकिस्तान वैसे का वैसे ही है। ये हमें लगता है ना, यही तो दुख है। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने क्या? अच्छा, आप कह रहे हैं पाकिस्तान वैसे का पाकिस्तान को खा रहे हैं? खा रहे हैं। क्या हुआ पाकिस्तान वैसे का वैसे है? क्या होगा पाकिस्तान? सूलन पता क्या होना चाहिए था? इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी है, वो भी 1947 में स्टार्ट हुआ ना, हम भी 19, तो हमें भी सूलन पांचवी नहीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं कोई इकॉनमी होते फिर हम कहते हाँ यार जैसे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं हम भी वैसे ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फर्क है। वो हम IMF के पास जा रहे हैं, आप कह रहे हैं वैसे का वैसे ही है। इतना मर्जी आई हुई, पिछले दिन आपने सुना होगा ये कह रही पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो गया, पाकिस्तान का दिवालिया हो गया,
नहीं हुआ। ये बड़ी खबरें आई, ये हो गया, कहाँ हुआ मुझे बताएं। ठीक हो गया, ठीक है। पाकिस्तान में पैसा खत्म नहीं हो सकता, जो मर्जी हम कहते हैं गरीब हो गया, ये कौन है गरीब बताएं मुझे। भाईजान पाकिस्तान के हालात सब ठीक है, सच बताएं, हालात ठीक है, बताएं ना। हाँ जी, सब ठीक है। नहीं ठीक है, दिहाड़ी मेहनत मेहनत आ नहीं रही, तंग हो मजदूरी मिलती नहीं पी। अच्छा, मजदूर तंग हुए, मजदूर तंग हुए पड़े, हालात ठीक है पाकिस्तान के। पाकिस्तान के ऐसे हालात हो गए, अब तो मर जाने का मुकाम बना होगा इधर। अच्छा ठीक है भाईजान, पाकिस्तान के हालात ठीक है। ठीक है, ठीक है, चले ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली लोगों ने तो ये कहा कि हालात ऐसे हैं, हालात पाकिस्तान के अगर नहीं ठीक है तो अमेरिका के कौन से ठीक है। अच्छा, उधर भी लोग भूखे मर रहे हैं, इंडिया में लोग भूखे मर रहे हैं, कौन सा मुल्क है जो कहेगा कि हालात हालात हमारे। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम? फैसल रहमान। ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान 1947 में बना, तब से लेके अब तक बिल्कुल ठीक चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान को। आप खुश है भाई जान? खुश है पाकिस्तान के जो हालात है ठीक चल रहे हैं? नहीं खुश। अब जो है ना, अब कश्मीर का क्या करना है? कश्मीर, हाँ, कश्मीर तो इमरान खान ने पहले बेच दिया। बेच दिया? बेच दिया। वो किसे बेचा? अमेरिका को। अमेरिका तो कश्मीर में नहीं है वो, ऐसा ना, अमेरिका इंडिया के साथ है। अच्छा, ठीक है। और हमारी फौजे पाकिस्तान जब चाहेगी और जिस वक्त चाहेगी, हम कश्मीर उनसे इंशाल्लाह ले लेंगे। इतनी बारी कॉमेडी मत करो जाजा, इतनी बारी कॉमेडी मत करो। पाकिस्तान आर्मी चाहेगी उसी दिन कश्मीर ले लेगी। भाई तुम्हारी आर्मी और तुम्हारे लोग 78 साल से यही चाह रहे हैं, रात दिन कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर, करते करते तुम्हारी तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई, पांचवी छठी नस्ल आ गई है, लेकिन तुम्हारा अभी तक वही राग चल रहा है। तुम्हारी आर्मी कब चाहेगी? 78 साल में अभी तक नहीं चाही। चाचा तुम्हारी आर्मी तो बहुत चाहती है, लेकिन क्या करे, उसके बस की नहीं है। जब वो हिंदुस्तानी शेरों को देखती है ना, आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। इसके लिए वो चाह के कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ पीठ में वार करते हैं, गोरिल्ला वार करते हैं, आतंकी भेज देंगे, भारत को अंदर से अंदर खोखला करने के लिए प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन इन मंसूबों में पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। जहालत को यहीं स्टॉप दे लेते हैं, क्योंकि इसके आगे जहालत मेरे बस की नहीं है। और इसके आगे की अगर आपको जहालत देखनी है तो शोएब चौधरी के चैनल पर जाके जरूर आप देखिए, जाहिल के आनंद लीजिए। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके आप अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।